Following Gujarat Nit Singh's selection in the Chennai Super Kings team for the IPL 2025 during the mega auction, his parents expressed their delight at their son's selection on the big stage and also wished that he plays for India in the future. CSK took Gurjan Beat, who has been a net bowler at the franchise. CSK and LSG were in a tussle for the promising seamer. After LSG backed out, Gujarat Titans came in, which was understandable due to Ashish Nehra's love for left-arm seamers. CSK managed to outbid GT for Rs 2.2 crore. Gurjanbir Singh's mother said the cricketer is very happy after getting such a good platform like the Indian Premier League. बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है जी, बहुत ज्यादा खुशी है। अब हम चाहेंगे कि वो इंडिया टीम में आए, फिर आप दोबारा फिर आओ। बिल्कुल आएंगे जी, ठीक है। आज बयान नहीं की थी, जरिए खुशी मिलती है ना, क्योंकि एनी हार्ड वर्क करके बंदा इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचता ना, कंपटीशन भी बहुत है, आपको पता ही है। प्लेटफॉर्म पे पहुंचना कंपटीशन बहुत ज्यादा। हम तो कह रहे ज्यादा दूर क्यों, आईपीएल में अच्छा करे, दोबारा हम आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज तो बढ़िया है, जरूर आएंगे। सर आपके बेटे का चयन हुआ है, इतना अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे, अपने TNPL में किया, अभी रणजी ट्रॉफी चल रही है उसकी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहले डेब्यू मैच में उन्होंने 6 विकेट लिए, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई उनकी। हाँ जी बिल्कुल, लाइव ऑप्शन देखिए हमने उसके, हमने पहले दिन तो उसका नंबर नहीं आया, बट दूसरे दिन उसका 7:15 उसका नंबर आया, तो हम बड़े ही एक्साइटेड थे उसको देखने के लिए भी, देखो हमारा क्या उसमें उसका हमारा सिलेक्शन होता है, कौन सी टीम उसको लेती है इसको, है नहीं। तो हम CSK का बहुत थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उसको अपनी टीम में लिया। तो बेटे से बातचीत हुई है? हाँ जी बेटे से बातचीत हुई थी रात को, बहुत खुश थे सारे, बहुत खुश थे हम, ठीक है। उन्होंने भी बहुत, हमने उसको मुबारकें दी, उसने हमें मुबारकें दी, फिर हमें बहुत ही हमें अच्छा फील हुआ। सफर कैसा रहा बेटी का? सफर सर स्कूल टाइम से लेकर के अब तक का उसका बहुत ही स्ट्रगल वाला रहा, मैं कहूंगा मैं, उसने बहुत हार्ड वर्क किया उसने। तो उसने यहाँ पहले अपने KV नंबर 1 में उसने स्कूल ज्वाइन किया, +2 यहाँ से करके गया वो, फिर उसके बाद वो उसको, उसका कोच थे अनिल मसीह सर थे, उसके कोच थे वो, उसको वहां पे उसका ट्रायल दिलवा के लेके आए उसको, जो इंडिया सीमेंट्स के अंदर, तो वहाँ वो उसको क्वालिफाई करा। फिर उसको मैं उसको वहाँ पे, गुरु नानक कॉलेज है वहाँ, मैं उसकी मैंने एडमिशन कराई इसकी, खुद मैं साथ गया उसके, तो वहाँ से फिर वो कॉलेज में भी खेला, कॉलेज के बाद इंजीनियर में भी खेला, फिर TNCA में भी खेला, VJCC में भी खेला, इग्मोर RC में भी खेला, फिर उसका फिर 2021 में उसका TNPL के अंदर सिलेक्शन हुआ, जिसके लाइव मैच TV पे आए, सबने देखे, उस टाइम भी बड़ा हमने प्राउड फील किया। उसके बाद फिर आज वो रणजी भी खेल रहा है, मुश्ताक अली भी खेल रहा है, और उसके बाद अब इसका सिलेक्शन CSK में हुआ। तो कब आपको लगा बचपन में कि बेटा क्रिकेट की ओर जाना चाहता है? सर उसका तो शुरू से शौक ही था, उसका इतना शौक था मैं आपको बता नहीं सकता, कि उसको जब भी कोई मैच आता था उसने कहा 5 बजे स्टेशन पहुंचना है, तो वो 5 बजे से पहले पहुंच जाता और सबको कहता था तुम क्यों नहीं आए अभी तक, मैं यहाँ खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ सबकी, तुम क्यों नहीं आए अभी तक, मतलब वो 100% उन्हें अपना जो टाइम दिया क्रिकेट को दिया उसने। फाइनेंशियली दिक्कतें आई इसमें? देखो चलो हम, देखो हम तो मीडियम क्लास फैमिली के लोग हैं, देखो फाइनेंशियल दिक्कत तो सबको है आज की डेट में, है ना, पर हमने बहुत अच्छा हमने इसको मैनेज किया, तो बाकी हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमारी वाहेगुरु की बड़ी कृपा रही है हमारे पास, हमारे ऊपर, तो हमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई। बेटा कितने साल से बाहर रह रहा है? ये इसको 7 साल हो गए जी, वहाँ पे गए उसको 2017 में गया था वहाँ पे, तो 2017 से ही बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, और पूरा 100% उसने अपना क्रिकेट को ही दिया। क्या सपना है गया? बस अब सपना तो एक ही है, बस ब्लू शर्ट ब्लू टी शर्ट पहननी है उसने, बस इंडिया का सपना। सारे ही उसको बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे जो कुलीग्स, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि हम इसको, हमने नेक्स्ट ईयर में इसको ब्लू टी शर्ट में देखना है, हमने इंडिया में देखना है हमने। मैडम बेटे का सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, उसकी सिलेक्शन हुई है ना, बचपन तो उसको बहुत ज़्यादा शौक सी इस चीज़ का, तो हूँ वो मतलब स्टेप बाय स्टेप अगे अगे वधदा गया, तो हूँ जिवें IPL की सिलेक्शन हुई है, बहुत ज़्यादा सारे ने बहुत प्राउड फील हुंदा, सानू बहुत खुशी हुंदी है, तो हूँ बस अगे हूँ
यही चीज़ है कि भी है ना अगे अगे होर वधिया बच्चा परफॉर्म करी जावे ते अगे अगे वधी जावे। क्या एक सपना जो है वो आगे के लिए दिख रही है? बस सपना हुण यही है कि अगे वो ब्लू जर्सी दे विच उसनु देखिए इंडिया वास्ते खेडे, यही सारा सारे का सपना हुण है। सारे जी बिल्कुल बचपन तो ही उसनु बहुत ज़्यादा, बहुत छोटी एज तो ही उसनु इस तरफ से उसका झुकाव कि भी शौक से उसनु ना क्रिकेट खेडन का, तो बस इसे लाइन समझ लो कि फिर चलता गया है। तो असी भी उन्हें भी अपना 100% पूरा दिता, तो नाल सानू भी सी कि अगर तेरा शौक है तो तू फिर पूरा फोकस इस चीज़ पर कर भी तू है ना भी अगे अगे वधे सब पासे, तो फिर उसमें सपोर्ट मिली। तो पढ़ाई भी छोड़ी अपनी, पढ़ाई भी सबसे छोड़ के आर्ट्स पे आया। हमने कहा चल कोई बात नहीं, हमने ग्रेजुएशन तो करनी करनी है, हमने जब कुछ हो जाए है ना, बट हम क्रिकेट में अपने जब हमने प्लान किया तो क्रिकेट पे 100% देना अपने बस कि हम ताकि हमने उसने दिखा भी है, बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क से उसका ये जड़ी उदी सच्ची सुच्ची मेहनत सी यही उसने तक लेके आई है जी।